ओके वेलकम दोस्तों, तो मैं अमोल कासार आपका वापस एक बार स्वागत करता हूँ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट का 11 कॉमर्स चैप्टर वाइज वेटेज एंड पेपर पैटर्न क्या होना है ये हम समझेंगे इस सेशन में। ये जो सेशन है वो मराठी मीडियम का स्टूडेंट है, अगर वो सर्चिटनेस राइट वो जो मराठी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों के लिए पेपर पैटर्न सेम रहेगा, इवन चैप्टर वाइज वेटेज भी सेम रहेगा, तो दोनों को यूजफुल है। दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सर इस बार हमारा कॉलेज में जो भी एग्जाम होगा वो कैसे होने वाला है करके, सो इन्होंने कहा है कि यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा, देन टर्मिनल्स में जो 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है, यूनिट टेस्ट 2 अगेन 25 मार्क्स का रहेगा, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होने वाला है, आपका एनुअल टेस्ट होगा 80 मार्क्स का, तो करीब-करीब ये 200 मार्क का टेस्ट होगा और उसमें से आपके मार्क्स एवरेज निकाले जाएंगे करके। इसलिए जो बच्चा अगर चाहता है कि मुझे सर कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मेक श्योर कि आप यूनिट टेस्ट, आपके टर्मिनल्स, यूनिट टेस्ट 2 और आपका एनुअल एग्जाम सब में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना रखना पड़ेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है करके, मुझे जो आपको दिखाने बहुत सारी बातें लिखी है और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है राइट, उस नंबर पे आप अपना नाम राइट, आपकी सिटी और 11th कॉमर्स, ये तीन चीजें भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगा और आगे जो भी टारगेट रहेंगे हम आपको वो सेंड बताते रहेंगे टाइम टू टाइम करके राइट। सो दोस्तों आप अगर देखोगे सो एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी, हाँ ये देखो ये पॉइंट पढ़ के अलग ही कॉन्फिडेंस आने वाला है आपको, पढ़ लेना। यूनिट टेस्ट क्वेश्चन पेपर शुड नॉट ओनली बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक शुड बी कंसिडर व्हाइल सेटिंग अप द यूनिट टेस्ट क्वेश्चन पेपर। सर मतलब इन्होंने एक तो कहा है कि ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे सिर्फ, मान लिया, लेकिन एक एडवांटेज अच्छा पॉइंट क्या दे दिया कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले वो कहां से पूछे जाएंगे, एक्सरसाइज के, मतलब आपके चैप्टर के नीचे जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वही आने वाले हैं आपके मेन यूनिट टेस्ट के पेपर में। तो याद रखो अब आपका काम बहुत, आपका बर्डन बहुत हल्का हो गया, समझ रहा है, अब आपका बर्डन कम हो गया, अभी लग रहा है कि नहीं यार अभी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बताने के बाद मैं आपको सीधा लेके जाता हूं पहले तो चैप्टर वाइज वेटेज पे, एंड देन आफ्टर हम लोग आएंगे कि कैसे पेपर पैटर्न है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि मराठी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है और हर अहला तंसा प्रश्न पत्रिका, मतलब ये रहा उनका स्ट्रक्चर, ये देखो ये आपका स्ट्रक्चर है दोस्तों, अगर आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो और अगर आप देख रहे हो तो सेम इंग्लिश मीडियम जैसा, ये कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। यस नाउ या देखो सर अब मैं आ गया एसपी का, आपके पास अगर आपके टेक्स्ट बुक होगी तो लेके बैठिए, वहां पे ही इंडेक्स में सारी चीजें लिख दीजिए करके कि भाई कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए। दोस्तों अगर मैं चैप्टर वन की बात करूं सेक्रेटरी, तो वो 6 मार्क्स का वेटेज रखता है विथ ऑप्शन वो 10 मार्क्स के लिए आने वाला, तो मेरे को 10 मार्क आपके डन हो गए अगर आपने चैप्टर वन अच्छे से कर लिया तो। देन आफ्टर चैप्टर टू आता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें आप लोगों को ये बताया है कि कैसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब HUF क्या था, सोल ट्रेडिंग क्या था, देन आफ्टर पार्टनरशिप फर्म, LLP एंड सो ऑन, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कि बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आप कर लोगे तो 15 मार्क्स आपके विथ ऑप्शन कवर हो जाते हैं, मिनिमम 11 है लेकिन 15 मार्क्स, तो चैप्टर 1 और 2 अगर मैं पढ़ लूँ तो 25 मार्क्स मेरे डन हो गए, समझ में आ रहा है। तो ये देखो तो और यूनिट टेस्ट में आई थिंक सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही चैप्टर रह सकते हैं, सो ये दो चैप्टर कर रहे हो तो 25 मार्क्स आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देन आफ्टर आता है चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 3, जिसमें आप देखोगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 दो चैप्टर कवर हो रहे हैं, जिसमें कंपनी को कैसे फॉर्मेट किया, फॉर्मुलेशन किया जाता है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, ये सारी बातें दी है, करीब करीब 15 मार्क्स और विथ ऑप्शन 22 मार्क्स। तो देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 भी आप अच्छे से करते हो तो विथ ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब मेरा 47 से 48 मार्क्स हो जाता है 80 में से, अब और क्या चाहिए मुझे, समझ में आ रहा है। और कितने चैप्टर है, 12, 12 में से कितने हो गए अभी, 4 ही, 4 ही किए तो कितना मिल रहा है, 50 के करीब मार्क्स मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 ही करोगे, क्या हो गया कि आपको टेंशन, मतलब बोलते ना कि वो उस टेंशन को रिलीव करो आप भाई, कि ऐसा नहीं कि भाई सर हमने अभी हमको समझ ही नहीं रहा, ऐसे तो 4 चैप्टर कर रहा फेल किधर हो रहे तुम, आ रहे ना आपको मार्क्स। ओके देन आफ्टर चैप्टर नंबर 5 एंड 6, ये दो चैप्टर है, मेंबर्स डायरेक्टर एंड की मैनेजर है पर्सन से रिलेटेड, अगेन मिनिमम 13 मैक्सिमम 17 मार्क्स का उसका वेटेज है। चैप्टर नंबर 7 8 मीटिंग से रिलेटेड चैप्टर है, मिनिमम 15 मैक्सिमम 21 मार्क्स। एंड लास्ट बिजनेस कम्युनिकेशन एंड स्किल, मतलब ये लेटर्स की बात है दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 10 11 एंड 12, वापस बोलता हूँ, चैप्टर नंबर 9
10, 11, 12 कम्युनिकेशन लेटर से रिलेटेड बात है, मिनिमम 20 मार्क्स के लिए तो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं 9 से लेके 12 तक, और ये लिंक में चलेगा। जैसे मैंने मेरा आई थिंक सो पहले लेक्चर में बता भी दिया था कि एसपी कैसे पढ़ना और एसपी का ब्रेन मैपिंग सेशन क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आई है, तो 12 चैप्टर को 6 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, समझ में आ रहा है आपको। और 9 से लेकर 12 ये चारों चैप्टर आपको 20 मार्क्स का वेटेज देने वाले और विद ऑप्शन 31 मार्क्स, तो मैं तो कहूंगा ये छोड़ना ही नहीं हमको। देन आते हैं मीटिंग्स, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है 15 से लेकर 21 मार्क्स। तो ये देखो जब आपको अभी चैप्टर, और सर अतः हम क्या लिखे, जब आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख रहे होगे तो 7-8 को ऐसे लाइन दोनों को मतलब कंबाइन लिखना, कितना मार्क्स, 15 मार्क्स करके, और भी तो ऑप्शन भी लिख देना 21 मार्क्स, तो आपको पढ़ने का एक मोटिवेशन मिलेगा कि क्यों पढ़ना है उस चीज को अच्छे से। तो आई होप स्क्रीनशॉट आप निकाल लो इसका, आपको वेटेज मिल जाएगा, और वैसे तो आप पीडीएफ में आपको भेजने वाला पीडीएफ। ओके नाउ ये हो गई पहली बात। नाउ अगर आप देखोगे पेपर पैटर्न पे, अगर मैं आता हूं देखो, यस सर, यस दोस्तों, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 80 मार्क्स का ये पेपर आपका आने वाला है, राइट। 3 घंटे आपको मिलेंगे वापस दोस्तों, जो मैंने इकोनॉमिक्स में बताया था आपको, कम से कम इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाने वाले हैं 4, 20 मार्क के रहेंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। कैसे हो सकता है वो मैच, जैसे कि किसी गिव वन वर्ड वन फ्रेज, राइट, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है। इन्होंने ए से लेके जे तक बहुत सारी बातें दी है। इन शॉर्ट आपको बताओ, आपके एक्सरसाइज में जितने ऑब्जेक्टिव है ना हर चैप्टर के, वो अच्छे से करो, उनमें से ही कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको आने वाला है 100%। सो सर इसको कैसे समझे, क्वेश्चन वो वन को 20 मार्क्स का आने वाला है, सिंपल मैं आपको कहूँगा, आपके चैप्टर के नीचे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव के, वो अच्छे से करो, उनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है फॉर श्योर, राइट। ओके, क्वेश्चन 2 क्या रहेगा, एक्सप्लेन द टर्म एंड कंसेप्ट। 6 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये हो जाएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। एक पैटर्न समझ रहा है सर, वो जो आपको अगर आपको आपके एक्सरसाइज में दिखेगा कि एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट, तो समझ लेना कि वो कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का सवाल होगा, 2 मार्क्स इच ऐसे करके आने वाला है। देन आफ्टर स्टडी द फॉलोइंग केसेस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इससे रिलेटेड अगर कुछ वीडियोज हम डाल पाए डेफिनेटली यूट्यूब पे डालेंगे, ताकि ये क्वेश्चन बच्चों को ना अटेम्प्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सो इस पे भी हम आपको गाइड करेंगे। 3 क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स इच, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब आप एक्सरसाइज में आओगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स ईच है, कोई भी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं करके, राइट, तो ये 12 मार्क्स का हो जाता है, राइट। फिर आंसर इन ब्रीफ, अगेन 3 क्वेश्चन है, एनी 2 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, एंड उसके 4 मार्क्स का है, तो अगेन 12 मार्क्स का क्वेश्चन। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बड़ा क्वेश्चन होगा ये, अगेन ये सर ये क्वेश्चन हमको कहाँ से मिलेंगे, अपने टेक्स्ट बुक में देखो, वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे उसी टाइप का इसका पैटर्न रहेगा करके। 4 मार्क्स ईच है दोस्तों, तो करीब करीब आपको ये 16 मार्क्स हो जाता है। लेटर राइटिंग आईएमपी, सर ये कौन से चैप्टर में से आएगा, 9, 10, 11, 12, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, इसमें से ये वाला क्वेश्चन है, तो वो जितने भी लेटर है 7वां क्वेश्चन उसके लिए बना के रखो। 3 सब क्वेश्चन हो गए, तो आपको 2 सॉल्व करने हैं करके, 5 मार्क्स इस, तो 10 मार्क का एक क्वेश्चन बन गया दोस्तों। देन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स इच, तो 16 मार्क्स वापस आपका ये वाला क्वेश्चन बनता है, एंड सो ऑन, आपका पेपर पैटर्न खत्म हो जाता है। इसमें क्या है सर, मैंने सिर्फ ये देखो दोस्तों, आपको जब पेपर पैटर्न में बता रहा हूं, मे भी आपको लगेगा कि सर इसमें क्या नई बात बता दी, लेकिन जब आप लोग इस तरीके से चीजों को समझते हो, ये रहा देखो, ये चीज मैं आपके सामने लेके आता हूं। फर्स्ट टर्म का ये पेपर पैटर्न दिया हुआ है इन्होंने, और अगर इतनी सारी बातें मैं डिस्कस करते बैठा तो मोर और लेस सारी चीजें वही है जो मेन पेपर में है करके, राइट। एक मिनट से मैं आपको स्क्रीन पे सारी चीजें दिखाता हूँ, और ये पीडीएफ अगर मैंने आपको सेंड कर दी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पीडीएफ रहेगी, आप और अच्छे से इसे इवेल्युएट भी कर पाओगे। तो जैसे ही मैं आपको आपका नंबर व्हाट्सएप आ जाता है, आप जो जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि फॉर्मेट में मुझे भेजिए 11th कॉमर्स, आपका नाम, आपका सिटी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, एंड देन मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा करके। यस दोस्तों, या
तो ये जो पेपर पैटर्न आपने देखा था, यस, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से निकालो, ये जितनी बार आप पढ़ोगे उतना इंपॉर्टेंट है करके, राइट। सो ये इतना ही था, पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव था, क्वेश्चन टू से लेके क्वेश्चन एट तक मैंने यहाँ पेपर पैटर्न बता दिया है। तो मराठी हो इंग्लिश मीडियम हो दोनों के लिए सेम था, अब आपको अच्छे से पढ़ना है एंड देन लेक्चर तो हमारे आते ही रहेंगे यूट्यूब पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो मैक्सिमम, ठीक है, पढ़ते रहो दोस्तों। आई नो कि कोरोना चल रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आप पढ़ रहे हो, लेकिन हो जाएगा, मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। चलो थैंक यू सो मच, जो भाई टेक केयर, मिलते बाद में, जय हिंद जय भारत।